क्या हाल है वालक? बढ़िया सबका। चलिए आज फिर हम थोड़ा सा क्वेश्चन लेके आ गए हैं। पी बाई क्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और जो जहाँ तक अभी तक हम थ्योरी पढ़ पाए हैं उसी के हिसाब से सवाल है। थ्योरी से अभी आगे का सवाल नहीं है, मतलब अभी का जो सवाल है वो कूलम्स लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। चलिए सबसे पहले आप सवाल अच्छे से पढ़ लीजिए, हम यहाँ से हट जाते हैं। चलिए आई होप कि आप सवाल पढ़ लिए होंगे। सबसे पहले आप तो पढ़े ही, लेकिन एक बार हम भी पढ़ देते हैं, आप केयरफुली सुन लीजिए। ठीक है, टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फेयर ए एंड बी व्हेन प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस इन एयर रिपेल इच अदर विथ अ फोर्स ऑफ एफ। अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फेयर सी इज फर्स्ट प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ए एंड देन इन कॉन्टैक्ट विथ बी, फाइनली प्लेस्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन द स्फेयर ए एंड बी। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्फेयर सी विल बी। ये तो ठीक है, सवाल आप पढ़ लिए। अब इसको डायग्राम से पहले समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास दो स्फेयर है, ए और बी, करेक्ट? ये आपका स्फेयर ए है और ये आपका स्फेयर बी है। दोनों कुछ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट है ना। कुछ मान लेते हैं, लेट से के डिस्टेंस आर रहा होगा, और जो यहाँ पे फोर्स है दोनों के बीच में वो एफ है। आप चाहो तो इसको अट्रैक्टिव फोर्स लिख लो या चाहो तो रिपल्सिव फोर्स लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम फिलहाल के लिए ये दिखा दे रहे हैं कि मान लो एफ फोर्स से ये रिपेल कर रहा है। तो इस एफ की वैल्यू क्या लिखेंगे हम सब? इस एफ की वैल्यू लिखेंगे के, मान लेते हैं इसका चार्ज है क्यू और इसका भी चार्ज क्यू, आइडेंटिकल है तो इस हिसाब से आप दोनों पे बराबर मान लेते हैं। तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि क्यू वन के जगह पे भी क्यू रखेंगे और क्यू टू के भी जगह पे भी क्यों ही रखेंगे। तो ये हमारे पास एफ की वैल्यू। यहां तक बात आ गई समझ में? अब देखो, अब इसके बाद की कहानी पूरी समझो कि एक तीसरा स्फेयर है ना, वो भी इसी के जैसा है, इसी के जैसा है, मतलब आइडेंटिकल स्फेयर है। उसको जो तीसरा स्फेयर है वो अनचार्ज है ना, जो तीसरा स्फेयर सी है वो अनचार्ज है। उसको सबसे पहले ए के कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं, उसके बाद बी के कॉन्टेक्ट में लेके जाते हैं। आइडेंटिकल है तो चार्जेज इक्वली ट्रांसफर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आप समझो कि ये जो ए स्फेयर है, ठीक है, इसके पास मान लेते हैं हम कोई सी स्फेयर लेके आ रहे हैं। रुको, हमारे पास कोई स्फेयर नहीं है तो हम यही लेके आ जा रहे हैं, इसी को आप समझो स्फेयर क्या है, सी है, अनचार्ज है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा? जीरो। अच्छा, जब इसको इसके पास लेके आते हैं तो इसके पास तो चार्ज क्यू है और इसके पास जीरो है, तो क्यू प्लस जीरो डिवाइडेड बाई टू करेंगे जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इस ए स्फेयर के पास चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू बाई टू, और इस सी के पास भी कितना हो जाएगा? क्यू बाई टू। क्यों? पहले ए के पास कितना था? क्यू। सी के पास कितना था? अनचार्ज है तो जीरो, डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो आपको अभी का चार्ज मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? क्यू बाई टू। अच्छी बात है। दूसरा, जब आप इसको बी के पास लेके आते हैं, जब आप इसको बी के पास लेके आते हैं तो अभी बी के पास कितना चार्ज है? क्यू है। इसके पास कितना चार्ज हो गया अब ए के कॉन्टेक्ट में लाने के बाद? क्यू बाई टू। तो अब जब इन दोनों को कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं तो फिर से इन दोनों के पास जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब पहले से था बी के पास क्यू, सी के पास है अब क्यू बाई टू, और डिवाइडेड बाई टू करोगे तो इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा? थ्री क्यू बाई फोर। मतलब बी के पास भी चार्ज हो गया थ्री क्यू बाई फोर, और सी के पास भी कितना हो गया? थ्री क्यू बाई फोर। और इस सी को कहाँ प्लेस करना है? इसके मिड पॉइंट पे। ये लो, हम इस सी को यहां मिड पॉइंट पे प्लेस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक समझने में। चार्ज किसके पास कितना है समझ आ गया? एक बार फिर से समझ लीजिए, ए के पास कितना है? क्यू। सी के पास कितना था? जीरो। दोनों को एक साथ रखे कॉन्टेक्ट में तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज, क्यू प्लस जीरो बाई टू, तो क्यू बाई टू। अब इसके पास कितना हो गया? क्यू बाई टू। जब हम इसको बी के कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं, बी के पास पहले कितना है? क्यू, तो Q प्लस क्यू बाई टू, और डिवाइडेड बाई टू करेंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इन दोनों के पास चार्ज कितना हो गया? थ्री क्यू बाई फोर, और C के पास भी कितना हो गया? थ्री क्यू बाई फोर। यहीं तक मेन काम है, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद तो आपको C के ऊपर फोर्स निकालना है। यहां आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ये जो C है, C को B इधर रिपेल करेगा और A भी C को इधर रिपेल करेगा। इस वाले फोर्स को हम लिख दे रहे हैं फोर्स ऑन C ड्यू टू B, इधर वाले फोर्स को हम लिख देते हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। तो सारे फोर्सेस समझ में आ गए। अब जब हम नेट फोर्स निकालेंगे सी के ऊपर, तो जो दोनों फोर्स है उसको लिख देते हैं, कौन कौन सा? फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए
माइनस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। आप उल्टा सीधा भी कर लेना, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो कोई पंगा नहीं है, ठीक। बस आप इतना समझते हो कि जो अपोजिट फोर्स रहेगा उसको माइनस कर देंगे। चलिए अब वैल्यू लिखते हैं, क्या लिखेंगे, के क्यू एन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। तो के सी के ऊपर है चार्ज, थ्री क्यू बाय फोर, ए के ऊपर है चार्ज क्यू बाय टू, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अभी टोटल डिस्टेंस आर था, तो ये बीच वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर बाय टू, आर बाय टू हो जाएगा, मिड पॉइंट पर रखे है ना, तो ये आर बाय टू का होल स्क्वायर माइनस फिर से वही के सी के ऊपर थ्री क्यू बाय फोर और बी के ऊपर भी थ्री क्यू बाय फोर डिवाइडेड बाय आर बाय टू का होल स्क्वायर। यहीं तक फिजिक्स है, इसके बाद मैथ से फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ऊपर आ गया इसमें कितना, ये हो गया थ्री क्यू स्क्वायर थ्री के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा फोर टू जाए एट, और इसको सॉल्व करेंगे तो फोर चला जाएगा ऊपर और नीचे रह जाएगा आर स्क्वायर माइनस यहां पे थ्री थ्री जा नाइन, नाइन के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर, फोर जा सिक्सटीन, और इसको सॉल्व करेंगे तो फोर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जो कुछ कैंसिल आउट होता है कर देते हैं, फोर टू जा एट, यहां पे भी जो फोर फोर जा सिक्सटीन, अब जो कॉमन निकल पाता है उसको कॉमन निकाल देते हैं। एक्चुअली में कॉमन हम एफ की वैल्यू निकाल देते हैं, सबसे आसानी रहेगा। तो चलो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर को कॉमन कर देते हैं, तो यहां क्या बचा, यहां बचा थ्री बाय टू माइनस यहां क्या बचा नाइन बाय फोर, ये बचा ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू तो हम एफ रख देते हैं एफ, और इसको सॉल्व कीजिए तो एलसीएम कितना हो गया फोर, और यहां आ जाएगा सिक्स माइनस नाइन, टोटल सोल्व करके आ गया आपका माइनस थ्री एफ बाय फोर, माइनस थ्री एफ बाय फोर। वो वाला फोर्स को इधर रख देते तो प्लस आ जाता, कोई बात नहीं, आंसर यही है आपका थ्री एफ बाय फोर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छे से इसको एक बार देखना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, ठीक। चलते अगले सवाल पे, चलिए यह है क्वेश्चन नंबर फाइव। पहले आप आराम से पढ़ लो इसको बढ़िया से, हम यहां से हट जाते हैं। आई होप कि पढ़ लिए होंगे आप सब, और जब भी हम बोलते हैं आपको कि आप पढ़ लीजिए तो आप स्क्रीन को पाउज कर लीजिए और उसके बाद पढ़ के उसके बाद आगे बढ़ाएं, ठीक है। चलिए सबसे पहले सवाल का पढ़ा होना आपके लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल चलिए हम भी एक बार पढ़ देते हैं आपके लिए, क्या है, टू पॉइंट चार्जेज क्यू ईच, कैपिटल क्यू ईच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट। ये दो चार्ज है, दोनों Q है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये D है, करेक्ट। अच्छा इसके बाद अ थर्ड चार्ज स्मॉल Q, अ थर्ड पॉइंट चार्ज स्मॉल Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस X फ्रॉम मिड पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो यहां से हम थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, आप चाहो तो नीचे भी ले सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां जो लाइन बनेगा ना, इस पे आप चाहो तो ऊपर रखो या नीचे रखो, हम ऊपर ले लेते हैं, ठीक। कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है, कौन सा चार्ज स्मॉल क्यू। अच्छा यहां पर हो गया हमारा चार्ज स्मॉल क्यू। अच्छा अब क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच चार्ज स्मॉल क्यू विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम कूलम फोर्स, है ना। सबसे पहले हमारा अप्रोच ये रहेगा कि हम स्मॉल क्यू के ऊपर नेट फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद मैक्सिमम के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर देंगे। अब किसके लिए करेंगे डिफ्रेंशिएट, यहाँ वेरिएशन किसका है, एक्स का है, तो हम एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, सारा फोर्स प्लस है तो आप जान ही रहे हैं रिपल्सन होगा, तो ये जो कैपिटल क्यू है ये स्मॉल क्यू को इधर रिपेल करेगा, ये जो स्मॉल क्यू है इसको ये वाला कैपिटल क्यू इधर रिपेल करेगा। उसके बाद बात करते हैं डिस्टेंस की, अगर डी है तो ये वाला कितना डी बाई टू,
और ये वाला भी कितना डी बाई, यहाँ कुछ हम वो पॉइंट मान लेते हैं, इसको ए बी इस तरीके से लिख देते हैं। तो अगर ए बी डी है तो ओ ए बी डी बाई टू और ओ बी भी डी बाई टू हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद ये डिस्टेंस हम सिंपली क्योंकि परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है तो ये दो ट्रेंगल दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्रेंगल, तो आपको पाइथागोरस निकाल लोगे। उसका हाइपोटेनियस सिंपल सा एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर बाई फोर। ये भी और इधर वाला भी दोनों वही सेम। अब ये कौन सा ट्रेंगल है, अगर इस ट्रेंगल की हम बात करें इस ए बी सी की, तो कौन सा ट्रेंगल है ये आइसोस्केलस ट्रेंगल है ना। तो आप जानते हो आइसोस्केलस ट्रेंगल में जो साइड इक्वल है उसके ऑपोजिट का एंगल भी इक्वल होता है, जो साइड इक्वल है उसका ऑपोजिट का एंगल भी इक्वल होता है। तो ये दोनों एंगल को हम सेम मान लिए थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अब बारी है फोर्स को लिखने की और फोर्स का कंपोनेंट लिखने की। तो फोर्स देखो, यहाँ चार्ज क्यू, यहाँ स्मॉल क्यू, डिस्टेंस ये, यहाँ पे भी कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू और डिस्टेंस सेम। मतलब अगर चार्ज दोनों सेम है, क्यू वन क्यू टू सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स क्या रहेगा, फोर्स भी सेम होगा। तो ये वाला फोर्स को भी हम एफ ही लिख देते हैं और इस वाले को भी एफ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो, अगर ये एंगल थीटा तो यहाँ वाला भी एंगल कितना थीटा, और अगर ये एंगल थीटा तो यहाँ वाला भी एंगल कितना थीटा। आई होप इतना ज्योमेट्री आप सब जानते होंगे, है ना। अब कंपोनेंट ब्रेक करने की बात है, तो एफ के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अगर हॉरिजॉन्टल इसका लिखोगे तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल लिखोगे तो एफ कॉस थीटा, इसका वर्टिकल लिखोगे तो एफ साइन थीटा, और इस वाले फोर्स का भी वर्टिकल लिखोगे तो एफ साइन थीटा। तो नेट फोर्स जो निकला क्यू के ऊपर वो कितना निकला, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऑपोजिट फोर्स है, इक्वल भी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेंगे हमारे पास, हमारे पास बच जाएंगे 2f साइन थीटा। चलो अब f की वैल्यू यहां से हम सिंपल लिख ही सकते हैं, f की वैल्यू क्या लिखेंगे, f की वैल्यू k q1 q2 by r स्क्वायर। तो k q1 के जगह पे लिख सकते हैं हम कैपिटल q, q2 के जगह स्मॉल q, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर करेंगे तो ये जो दिख रहा है आपको इसी को हम r बोल दे रहे हैं। तो r स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे हम सिंपल x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर। ये हमारे पास एक f का वैल्यू मिल गया, ये हला के रख दो तो 2 हो गया f का वैल्यू k कैपिटल q स्मॉल q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर, ये मिल गया। यहां तक ठीक है। अच्छा अब बारी है साइन थीटा लिखने की, तो साइन थीटा कैसे निकलेगा, सिंपल है, राइट एंगल ट्रेंगल है तो हम साइन थीटा लिख सकते हैं, कोई पंगा नहीं है। साइन थीटा लिखने के लिए क्या करते हैं, पी बाय एच, तो देखो पी आपका ये हो जाएगा एक्स और एच हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर। इस तरीके से आप साइन थीटा भी लिख लोगे। जब इतना चीज लिखा गया तो यहां ला के सिर्फ रखना है एक्स, और ये हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर का रूट ओवर। चलो अब इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास नेट फोर्स की वैल्यू मिल गई कितनी, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। नेट फोर्स निकल के आया 2k q स्मॉल q कैपिटल q x, और नीचे इसका पावर 1 है, इसका पावर हाफ है, तो लिख देते हैं 1 प्लस 1 बाई टू करके, है ना। तो कितना हो जाएगा, अगर a रहता यहां पे, a का पावर 1 और a का पावर 1 बाई टू, तो क्या लिख देते हैं, a का पावर 3 बाई टू एड कर देते हैं, है ना। तो इसी तरह से यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर और इसका पावर 3 बाई टू, फोर्स निकल के आ गया। अब क्या करना, अब मैक्सिमम फोर्स के लिए आपको इसको डिफरेंशिएट करना है और जीरो के साथ इक्वेट करना है। चलिए अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या क्या कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, इसके बारे में ज्यादा कुछ पंगा है नहीं तो बाहर कर देंगे, है ना। अच्छा हम थोड़ा सा बोर्ड को रब कर दे रहे हैं, ये फोर्स को इधर लिख दे रहे हैं, जो हमारे पास अभी कैलकुलेट होके आया, ये कैलकुलेट होकर कितना आ गया, ये निकल के आ गया टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर का पावर थ्री बाय टू। ये हमारा आया नेट फोर्स स्मॉल क्यू चार्ज पे। चलो अब डिफरेंशिएट करते हैं, यहां थोड़ा सा हम रब कर दे रहे हैं, स्पेस अपने पास कम है। अगर बात करें डिफरेंशिएशन की तो इस वाले पार्ट के बारे में तो सोचो मत, वो तो कॉन्स्टेंट बाहर चला जाएगा, ऊपर x है और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर और इसका होल टू द पावर कितना है 3 बाई टू।
तो ये यू बाई वी के फॉर्म में बन जाएगा, है ना। और यू बाई फू का, यू बाई वी का आप डिफरेंशिएशन जानते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू बी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ बी इंटू यू डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, यही करते हैं। तो आप इसको यू समझ लो, इस वाले ऊपर वाले को आप यू समझ लो और नीचे वाले को वी समझ लो और डिफरेंशिएट कर दो। तो अपने पास जब हम मैक्सिमम के लिए लिखेंगे फॉर मैक्सिमम फोर्स, तो डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो लिखना पड़ेगा। अब आप डिफरेंशिएशन करो इसका, तो टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इन सबको बाहर छोड़ देते हैं, कॉन्स्टेंट है, इसके ऊपर कोई पंगा नहीं। चलो अब यू का डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब एक्स का वन हो जाएगा। अंदर वाले टर्म का करोगे क्या होगा, वैसे को वैसे ही छोड़ देंगे यहां पे हम, डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू बी। चलो एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे वन और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर का पावर थ्री बाई टू हो गया फर्स्ट पार्ट, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ बी। तो इस अंदर वाले टर्म का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले तो पावर थ्री बाई टू है, इसको बाहर कर देते हैं और इसका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर का पावर थ्री बाई टू में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। ये फॉर्मूला आप सब जानते होंगे, अगर x का पावर n रहेगा इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या आता है, एन एक्स का पावर n माइनस वन, ये आता है ना। तो पावर एक घटा देंगे, हो जाएगा वन बाई टू इंटू, अब ये अंदर वाले टर्म का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स और डी स्क्वायर बाई फोर इसका हो जाएगा जीरो। तो इसके बारे में सोचना नहीं है, हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ बी इंटू यू के जगह पे एक एक्स लिख देते हैं, इसी को हम सब जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे, ठीक। चलिए आगे इस वाले सब पार्ट को तो उधर ले जाके जीरो कर देते हैं और क्या क्या कॉमन हो सकता है वो भी कर दे रहे हैं। चलो तो टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कॉमन हो जाएगा यहां से, क्या क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर और इसका पावर वन बाय टू, ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या बचेगा, इतना कॉमन करने के बाद यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर और यहां से ये पूरा का पूरा टर्म बाहर चला गया है, टू से टू कैंसिल, तो बचेगा थ्री और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये तो रूट है, रूट वाले को जीरो मत करना, कोई फायदा नहीं है, ये सारे टर्म को छोड़ दीजिए, है ना। ये तो उधर जाके ऑलरेडी डिवाइडेड बाय जीरो करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, इसको हटा ही दे रहे हैं यहां से, ठीक। ये रूट वाला टर्म जीरो नहीं होगा, तो इसको देख लीजिए, इसको जीरो अगर हम करते हैं एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके, ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाय फोर माइनस, इधर अगर लेके चल जाए तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, है ना, इक्वल टू जीरो। टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर बाय फोर, या अगर हम यहां से एक्स स्क्वायर निकाले तो ये निकल के आ जाएगा डी स्क्वायर बाय एट, और x निकालेंगे तो इस साइड रूट करना पड़ेगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा डी स्क्वायर का रूट डी और 8 का रूट हो जाएगा टू रूट टू। तो इस तरह से x इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई टू रूट टू, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 6, आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। आई होप कि पढ़ लिए होंगे, एक बार फिर से हम भी पढ़ देते हैं आपके सामने क्या सवाल है। थ्री आइडेंटिकल चार्ज्ड बॉल, ईच ऑफ चार्ज टू कूलम, ईच ऑफ चार्ज टू कूलम। ये जो तीन बॉल आपको दिख रहा है B1, B2, B3, फिर से देख लीजिए, थ्री आइडेंटिकल चार्ज्ड बॉल्स ईच ऑफ चार्ज टू कूलम, ईच ऑफ चार्ज टू कूलम आर सस्पेंडेड from a common point P by silk threads of 2 meter each. जिस silk thread से उसको लटकाया जा रहा, सबका length कितना है 2 meter है, जैसा कि आपको दिया गया diagram as shown in the figure. They form an equilateral triangle of side 1 meter. ये देख लीजिए, ये आपको equilateral triangle दिख रहा होगा, ये वाला है. The ratio of net force ऑन अ चार्ज बॉल टू, इसका किसका रेशियो है, नेट फोर्स ऑन अ चार्ज बॉल टू द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज बॉल्स,
ये रेशियो आपको चाहिए। पूरी बात हम आपको समझा देते हैं क्या क्या कहानी है। देखिए इधर ध्यान से, ये आपको सीलिंग दिख रहा होगा, यहाँ कोई पॉइंट पी है, एक कॉमन पॉइंट से तीन चार्ज बॉल, थ्री चार्ज बॉल, जिसका कि चार्ज कितना है, दो कूलम सबका है, इसको इस तरह से लटका दिया है। कैसे लटकाया है, सिल्क थ्रेड के सहारे, और सिल्क थ्रेड जो है उसका लेंथ कितना है, टू मीटर। ठीक है, अच्छा। अब जब इसको लटकाते हैं तो आप जानते हैं कि चार्जेस जब सेम नेचर के होंगे तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, तो इसके बीच में जो रिपल्सन है ना, ये इस तरह से है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है 1 मीटर है ना, सबके बीच का 1 मीटर है, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अब देखो इस सवाल में हमको क्या चाहिए, हमको तो नेट फोर्स चाहिए किसी एक बॉल पे और किसी भी दो बॉल के बीच का फोर्स चाहिए, और उन दोनों को डिवाइड करना है रेशियो के लिए। तो हमको इस पूरे तामझाम की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस बीच वाले पार्ट का जरूरत है। हम इसको यहां से हटा दे रहे हैं काट के, ठीक है। आप देख लो इस तरीके से निकला, अब डिस्टेंस इसका कितना है, 1 मीटर। यहां चार्ज कितना है, 2 कूलम, यहां चार्ज कितना है, 2 कूलम, और यहां पे भी चार्ज कितना है, 2 कूलम। इतना का ही काम है हमको बस। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो इसका हर एक एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक। अच्छा, यहां तक समझ आ गया। अब इसको अगर आसान करना है तो बहुत ज्यादा तामझाम मत लिखो, जितना ज्यादा इसको कस्टमाइज करने की कोशिश करो। देखो, 2 कूलम 2 कूलम 1 मीटर, यहां भी 2 कूलम 2 कूलम 1 मीटर, इसका मतलब ये हुआ कि जितना फोर्स से ये इधर रिपेल करेगा उतना ही फोर्स से ये भी रिपेल करेगा। अगर हम कुछ नाम इसका दे दें, B1, इसका नाम था B3 और इसका नाम था B2, मतलब जितना फोर्स से B1 को B2 रिपेल करेगा उतना ही फोर्स से B1 को B3 भी रिपेल करेगा, क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स भी सेम होगा। तो यहां दोनों जगह हम F लिख देते हैं, इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो F नेट निकालना बड़ा आसान है, क्या कर सकते हैं आप जानते हो, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या लॉ ऑफ ट्रायंगल से हम नेट कैसे निकालते थे दो का। अगर हमको ए और बी दो वेक्टर है, अगर इसका हमको नेट निकालना होता था तो क्या लिखते थे रूट के अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये लिखते थे ना, इससे हमारा नेट फोर्स नेट वेक्टर निकल जाता था या रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल जाता था। उसी तरह से यहां करेंगे F1 स्क्वायर, तो इसको आप F1 और F2 दोनों का तो वैल्यू बराबर ही है, तो F1 के जगह पे भी लिख देते हैं F स्क्वायर, F2 के भी जगह पे भी लिख सकते हैं F स्क्वायर प्लस 2F1F2 cos थीटा। तो F1 के जगह पे भी F2 के भी जगह पे F, तो ये हो गया F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1F2 cos, और थीटा की जगह क्या लिख दें, 60 डिग्री। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2F स्क्वायर तो ये वाला हो गया, प्लस ये भी हुआ 2F स्क्वायर। ऐसे आप डायरेक्ट भी याद रखना, ये √3 आता है, ठीक है, √3 × F आता है। लेकिन चलो अभी हम आपको करके दिखाते हैं, √1/2 नीचे हो गया 3 times F स्क्वायर, तो F बाहर कर देंगे और रूट बन जाएगा इसके अंदर। तो F नेट की वैल्यू कितनी आ गई, √3। किसी भी दो बॉल के बीच में फोर्स कितना है, F है, जिसको हम अभी F मान है। आप चाहो तो मैग्नीट्यूड वगैरह भी रख के रखना, लेकिन उतना दिमाग मत लगाना, सिंपल यही है, किसी दो बॉल के बीच का फोर्स भी क्या है, F है। तो हम F नेट तो निकाल ही चुके हैं, यहीं से निकल जाएगा। अगर हम F नेट / F करेंगे तो कितना हो जाएगा, F नेट / F करेंगे तो ये हो जाएगा √3, मतलब √3 is 1 ऑप्शन आ जाएगा हमारा, मतलब F नेट और F का रेशियो कितना हो गया, √3 is 1। आप अगर इसके PYQ में देखोगे या जो सॉल्यूशन वगैरह जहां कहीं मिले, काफी लंदी सॉल्यूशन करता हूं, उन सब चक्कर मत पड़ना, सिंपल कितना हो गया, √3 is 1, आपका ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो गया। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत ज्यादा लंबा लंबा हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, छोटा छोटा ही बना रहे हैं, 3-4-5 सवाल लेके, बहुत ज्यादा नहीं, तो ऐसे ही चलेगा अभी, ठीक है। आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सा चैनल को शेयर कर दीजिए, है ना, वीडियो को शेयर कर दीजिए, आगे तक पहुंचा दीजिए, और हम कोशिश में यही रहेंगे कि जितना भी हमसे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हो पाएगा हम डालते रहेंगे, ठीक है। आप सबका वीडियो देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।